पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने प्रदेश आह्वान पर कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 पूर्ण करवाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया। गुरुवार को कर्मचारियों ने इस संबंध में जिला परिषद सीओ को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद जिला परिषद गेट के बाहर धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष चित्रपाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित सभी पंचायत समिति के पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी धरना व प्रदर्शन करेंगे। वहीं मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों को डीआरडीए कर्मचारी संघ ने भी समर्थन दिया है। गुरुवार को हुए प्रदर्शन में नरेगा संघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र रेबारी, राजेश यादव, प्यारेलाल अनिल यादव, अवतार सिंह आदि मौजूद रहे। आज हम पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन की ओर से पूरे राजस्थान में 24 तारीख को अनिश्चित सामूहिक अवकाश पे निर्णय लिया है। इस संदर्भ में सीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया है। हमारा ज्ञापन है 5 सूत्री मांग। एक मांग है कैडर रिव्यू, हमारी पोस्ट जो पद स्वीकारते हैं उसके बहुत कम पोस्ट स्वीकारते हैं, ऊपर के पद हैं जो, उसके लिए किया है। दूसरा एक 2013 LDC भर्ती है उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है, दूसरी मांग है। तीसरी हमारी कुछ लोग बाहर के जिले में जिला कैडर बना रखा है उसको एक बार शिथिलता देने के लिए उसके लिए हम मांग की गई है। और एक संगठन को हमारे दो कैडर काम कर रहे हैं, एक पंचायत लेवल पे ग्राम विकास अधिकारी और एक LDC, तो उसके लिए अलग अलग जॉब चार्ट के लिए भी हम मांग की है। पांचवी मांग हमारी ये है, मुख्य मांग। और हम जब तक मांग पूरी नहीं होंगी हम अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है। पूरे राजस्थान में चल रहा है और पूरी मांग होने तक ये चलता रहे। काम पूरी तरह से बंद कर रखा है जी, बिल्कुल। पूरी पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत पे बिल्कुल तालाबंदी है, कोई काम नहीं हो रहा है। जनता से हम इस मामले में आपके थ्रू माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारी कोई मजबूरी होने के या मांगों के संबंध में कोई उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण हमको ये स्टेप की मांगे। तो हमारे जिला अध्यक्ष चित्रपाल जी ने आपको अवगत करा दिया गया है, लेकिन मैं एक मांग पर बहुत जोर देना चाहता हूँ। जो हमारे साथी ग्राम रोजगार सहायक है जो पिछले 10 साल से नौकरी के लिए जूझ रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने जो LDC भर्ती प्रक्रिया करी थी वो सिर्फ इसीलिए करी थी कि जो ग्राम रोजगार सहायक काम कर रहे हैं उनको पक्का करें, उनको नियमित करके और एक कनिष्ठ लिपिक पोस्ट पर इनको पदस्थापन किया जाए। लेकिन उसमें कुछ तो हो गए हैं, लेकिन 50% से भी ज़्यादा लोग अभी उस पद के लिए वंचित हैं। जो भर्ती प्रक्रिया आज तक भी अधूरी है, भर्ती प्रक्रिया 5 साल में सरकार अभी पूरी नहीं कर पाई है। तो हमारा सरकार से यही गुजारिश है कि जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक साथी जो पिछले 10 साल से इस भर्ती के लिए जूझ रहे हैं, जो अधूरी भर्ती छोड़ रखी है, इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरी करें।